नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप जेपीएससी एग्जाम दिए थे प्रीलिम्स 7 जेपीएससी का, तो आपका रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो को जरूर देखें। यदि आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो पीडीएफ में जाकर कंट्रोल एफ दबाइएगा तो आपका आ जाएगा। उसमें आप अपना रोल नंबर सर्च मार सकते हैं, टोटल बताएंगे कि कितना रिजल्ट आया है और आप कैसे मिलाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहे। यदि आप देख रहे हैं वीडियो, मान लिया जाए आप एग्जाम नहीं दिए थे, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो लड़के एग्जाम दिए थे वो अपना रिजल्ट मिला सकें। चलिए देखते हैं, 4000 के आसपास टोटल रिजल्ट आया है, 4000 के आसपास टोटल रिजल्ट आया है प्रीलिम्स 7 जेपीएससी का। इसमें जनरल कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी में टोटल रिजल्ट है 1857, जिसमें झारखंड के भी हैं और बाहर स्टेट के भी जनरल में है, इसलिए ये 1857 रिजल्ट आया है। 1857, एक बार और देखेंगे, 1857 रिजल्ट आया। और बता दें, इसमें झारखंड के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य के बच्चे हो सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस जो कि केवल झारखंड के लिए है, वहां के ईडब्ल्यूएस जो है उनका रिजल्ट आया है 305। कितना? 305 टोटल रिजल्ट है। ईबीसी का कुल रिजल्ट 401 आया है, 401 स्टूडेंट ईबीसी में है, अपना मिला लेंगे जिस कैटेगरी से आप आते हैं, रिजल्ट देखेंगे, कंट्रोल एफ दबाकर अपना रोल नंबर डालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बीसी का जो रिजल्ट है, टोटल 244 रिजल्ट आया है बीसी का, अपने कैटेगरी में जाके आप देख सकते हैं। एससी का जो रिजल्ट है वह 389 आया है, टोटल स्टूडेंट का 389 एससी कैटेगरी में रिजल्ट आया है। एसटी में देखिएगा तो 1057 रिजल्ट आया है, एसटी कैटेगरी में 1057 रिजल्ट आया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण सूचना लेकर हमेशा उपस्थित रहता हूं आप लोगों के लिए, इसलिए इस चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत